रेलवे निजीकरण के विरोध के बीच देश की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस शुक्रवार को इंदौर से रवाना हुई। सांसद शंकर लालवानी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इंदौर से रवाना किया। देखिए खास रिपोर्ट। गुरुवार को महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों को काशी महाकाल एक्सप्रेस के रूप में बड़ा प्रसाद मिला है। अपने पहले नियमित सफर पर वाराणसी से रवाना हुई काशी महाकाल एक्सप्रेस आज सुबह इंदौर पहुंची। जब ट्रेन को इंदौर से अपने वापसी के पहले सफर पर रवाना किया जा रहा था, तब रेलवे कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। विरोध के बीच सांसद शंकर लालवानी ने पूजा अर्चना कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जब ट्रेन इंदौर पहुंची तो ढोल बाजों के साथ इस विशेष ट्रेन का स्वागत किया गया। वहीं सांसद लालवानी ने यात्रियों को मिठाई भी बांटी। वहीं सांसद लालवानी ने कहा कि महाशिवरात्रि पर ये शुभ अवसर आया है। उनके निवेदन पर इंदौर से वाराणसी के लिए ट्रेन चलाई गई। शिवरात्रि के अवसर पर एक शुभ अवसर आया है, जब इंदौर से वाराणसी काशी एक्सप्रेस विधिवत रूप से इंदौर से प्रारंभ हुई है। गत दिनों माननीय रेल मंत्री जी जब उज्जैन में दर्शन करने आए थे, तब वो जो वर्षों पुरानी मांग थी हमारी कि दो महाकालों के बीच, दो ज्योतिर्लिंगों के बीच में ट्रेन को चलाया जाए, तो उन्होंने घोषणा की थी उज्जैन से वाराणसी चलाई जाएगी। जब वो इंदौर आए थे तब मैंने उनसे निवेदन किया था कि उज्जैन के बजाय आप इंदौर से इसको चलाएं और इंदौर के पास में जो ओंकारेश्वर हमारा जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वो भी इससे जुड़ जाएगा। तो उन्होंने ये मांग का स्वीकार करते हुए इंदौर से वाराणसी ट्रेन चलाने की बात कही थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से इसको हरी झंडी दिखा के वहाँ से रवाना की थी। आज विधिवत रूप से पहली ट्रेन इंदौर से रवाना हुई है। मुझे लगता है सर्व सुविधा युक्त ये ट्रेन है और यहाँ से उज्जैन, उज्जैन से बेड़ागढ़ संत हिरदाराम नगर वहाँ से होती हुई वो जाएगी। तो ये एक बहुत ही आज के दिन शिवरात्रि के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे रेल मंत्री जी ने एक सौगात दी है इंदौर वासियों को। काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन में भगवान शिव के लिए छोड़ी गई एक सीट पर बवाल मचने के बाद अब शिव मंदिर को पेंट्री कार में शिफ्ट कर दिया गया है। ट्रेन के कमर्शियल रन के दौरान पेंट्री कार में पूजा अर्चना की गई। वहीं निजीकरण के विरोध को लेकर लालवानी ने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा सरकार कर रही है। महाकाल का अंदर मंदिर बना हुआ है और अभी जाने के पहले उसकी पूजा अर्चना की गई है और उसकी विधिवत स्थान है महाकाल, उसमें रहेंगे। तो मुझे लगता है उसके भगवान शंकर की जो अंदर जो स्थान है वो हो सकता है स्थान उन्होंने पेंट उसमें करा हो, लेकिन वो मंदिर रहेगा और उसके पूजा अर्चना रोज होगी। देखिए हमने देखा है किस प्रकार से ये जो समय आ गया है और इस समय में हमको यात्रियों को सुविधा चाहिए और अच्छी से अच्छी सुविधा चाहिए। हमने देखा होगा कि जिस प्रकार रेल लाइन्स में पहले सिर्फ एक या दो ही चलती थी, लेकिन जब हमने प्राइवेटाइजेशन शुरू किया तो किस प्रकार कंपटीशन बढ़ी, किस प्रकार सर्विसेज बढ़ी, किस प्रकार लोगों की सुविधा बढ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री उसमें जाने लगे हैं। तो कुल मिला के हमें उनकी चिंता दही से कर्मचारियों को पूरी चिंता रेल विभाग करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इसमें यात्रा कर रहे हैं जिनके लिए बनी है उनके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। तो जो आवश्यक होगा वो सरकार कर रही है। रेलवे कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त पुलिस का इंतजाम भी किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।